यौम आज़ादी की मुनासिबत से GPS स्कूल एंड कॉलेजिएट में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर समीर जकी ने केक काटकर तकरीब का आगाज किया। इस मौके पर समीर जकी का कहना था कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, अब हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। उनका मजीद का कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इसके हवाले से यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमने बच्चों के लिए फंक्शन इसी वजह से अरेंज किया है कि बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाजा हो सके और पाकिस्तान की तरक्की के लिए लोग काम कर सकें। पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं तो करें, लेकिन सबसे मेन है किसी भी घर में रहते हैं परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर अपने घर को बुरा नहीं कहा जाता, अपने घर की हमेशा तारीफ की जाती है, उसके लिए वर्क किया जाता है ताकि आगे जाकर ग्रोथ कर सकें। मुश्किल हालात हैं हमारे मुल्क पर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इन फ्यूचर बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जहाज में लगे हुए हैं अभी तक छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं ग्रीन और व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर आए हुए हैं, जोशो जज्बे से अपना आजादी का दिन मना रहे हैं। ये वतन जो है हमें बहुत सी कुर्बानियां देकर पाया गया है, जिसपे हम अगर हम अपने वतन को गौरव फिक्र करेंगे तो हमारा वतन और भी अच्छा बन सकता है। हर साल बहुत अच्छे से मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं और हर स्पेशली हर बच्चे को ऐसा कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, जैसे स्पीचे दिए सब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े और मुल्क का नाम रोशन कर सके। हम लोग चाहते हैं इस स्कूल में अच्छे से अच्छा पढ़े और आगे और बड़े पाकिस्तान में हम लोग तरक्की करें। कहना चाहूंगी कि ये हर साल इसे हमेशा फंक्शन बनाते हैं।